बुरहानपुर में भाजपा की जीत को लेकर जश्न मनाया गया। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने ने कहा कि इस खंडवा संसदीय क्षेत्र से पूर्व सांसद स्वर्गीय नंद कुमार चौहान 2,69,000 मतों से चुनाव जीते हैं। वहीं इस लोकसभा चुनाव में हमने उनका रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य रखा था, जिसे ज्ञानेश्वर पाटिल ने 2,70,000 से अधिक मतों से जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा कि भाजपा जो कहा था आज वो कर दिखाया। प्रदेश के सभी 29 की 29 सीटों पर हम जीते हैं। वहीं खंडवा लोकसभा सीट भी हम लगभग 2,70,000 वोट से जीते हैं। केंद्र में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 30 में से 29 सीटें हम मध्य प्रदेश में जीते, अभूतपूर्व मार्जिन से जीते और खंडवा लोकसभा सीट भी हमारी लगभग 2,70,000 वोटों से जीत हमारी सुनिश्चित हुई है और केंद्र में एनडीए की सरकार फिर बनने जा रही है। जिम्मेदारी बढ़ेगी, काम करेंगे, सेवा करेंगे, विकास करेंगे और देश के हित में इस जीवन का कण कण और क्षण लगे, इसके लिए हम सब कार्यकर्ता वचन। ऐतिहासिक जीत है। इसी खंडवा संसदीय क्षेत्र से हमारे पूर्व सांसद श्री स्वर्गीय नंद कुमार सिंह जी चौहान 2,69,000 वोट से चुनाव जीते थे और जब हमारा वोटिंग हुआ था, पोलिंग हुआ था, उस समय हमने जिस प्रकार से हमको ध्यान आ रहा था तो हमने सब लोग चाहते थे कि नंदू भैया का रिकॉर्ड ज्ञानेश्वर पाटिल जी तोड़े और निश्चित तौर पर ज्ञानेश्वर भाई ने वो रिकॉर्ड तोड़ा है और इसलिए खंडवा संसदीय क्षेत्र का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत खुश है और बहुत उत्साहित है।